केपी की हुकूमत कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। सूबे में जज़्बी लॉकडाउन का ऐलान। मुशीर इत्तला'आत अजमल वजीर कहते हैं आवाम की जान की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है। कल से बैन-उल-सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। 3 दिन के लिए शॉपिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। सिर्फ अशियाए खुर्नोश की दुकानें खुली रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला ये जो अजम है, ये जो हुकूमत के तमाम मशीनरी का, इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। बार बार कोशिश की गई कि अवाम को तकलीफ न हो, लेकिन अवाम की जान की हिफाजत हमारे अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने 23 मार्च सुबह 9 बजे से 7 दिन के लिए सुबह भर में बैन-उल-अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है, ताकि कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोका जा सके। ताहम इसमें जो प्राइवेट गाड़ियां और माल बरदार गाड़ियां हैं, इससे वो मुस्तस्ना है। हुकूमत ने 22 मार्च सुबह 9 बजे से 24 मार्च तक शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करने का ऐलामिया जारी कर दिया है। ताहम इसमें फार्मेसी, किराना जो शॉप है जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, बेकरीज है, आटा चक्की, तंदूर, दूध की शॉप, ऑटो वर्कशॉप और इस तरीके से पेट्रोल पंप, गोश्त और चिकन की दुकानें, फ्रूट और सब्जी शॉप, फ्रूट सब्जी जितने भी खुर्दनोश की चीजें हैं, ये जो है ये इससे मुस्तस्ना होंगे। और जो रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में सिर्फ जो अब इजाजत होगी वो होम डिलीवरी की इजाजत होगी, इसके अलावा मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी है।